Hello everyone, welcome to Saroj Mathematics Tutorial. One question from CSIR NET December 2019 4.75 marks question. Very simple question, बहुत ही आसान सवाल है, irreducibility पे है. तो देखते हैं what the sum says. Just एक बार देखते हैं. Let f(x) belongs to zx be a ring of monic polynomial over z. Z is set of integers. Then which of the following are true? If fx is irreducible over set of integers, then fx is irreducible over x. Fx is irreducible over q, then fx is irreducible over z. And so on, चार options दिए हैं, 4.75 mark question, तो एक से ज़्यादा options सही हो सकते हैं. बहुत ही आसान सवाल है, अगर हमने irreducibility, reducibility नहीं भी पढ़ी हो, तो भी हम इनको तुरंत समझ सकते हैं. Concept काफी simple है. सबसे पहले मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है. मोनिक पॉलिनोमियल एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उस टर्म का कोफिशियंट कितना है, अगर वो वन होता है तो वो मोनिक पॉलिनोमियल होता है. कोई भी पॉलिनोमियल जो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल का उस टर्म का कोफिशियंट अगर वन हो तो वो मोनिक पॉलिनोमियल होता है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम क्रिएट कर सकते हैं या समझ सकते हैं. जैसे ये मोनिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये मोनिक पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो पावर है टर्म एक्स टू द पावर फोर उसकी कोफिशियंट कितनी है, फाइव, विच इज नॉट वन, सो नॉट मोनिक. इस तरीके से हम मोनिक पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं. तो मोनिक पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल इन विच टर्म कोफिशियंट ऑफ टर्म हैविंग हाईएस्ट पावर शुड बी वन, तो दैट्स अ मोनिक पॉलिनोमियल. तो ये मोनिक पॉलिनोमियल हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है. तो ये हम आगे इसको समझते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है. ऑप्शंस में इररिड्यूसिबिलिटी ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स, इररिड्यूसिबिलिटी ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर. तो इररिड्यूसिबिलिटी को भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं, इररिड्यूसिबल कैसे होता है और रिड्यूसिबल कैसे होता है, और सेट ऑफ इंटीजर्स में या सेट ऑफ, एक एग्जांपल से समझते हैं. ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक मोनिक पॉलिनोमियल है फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर ये दूसरा एग्जाम्पल, ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, कैसे, एक्स स्क्वायर की लीडिंग कोफिशियंट जो है वो वन है, तो ये एक मोनिक पॉलिनोमियल होगी सबसे पहले. दूसरी चीज क्या है कि इसको अगर हम फैक्टराइज करें और इस ये दो पॉलिनोमियल्स के फैक्टर में कन्वर्ट हो सके, कोई भी मोनिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल, फिलहाल मोनिक पॉलिनोमियल है तो हम मोनिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स ही ले रहे हैं. अदरवाइज कोई भी पॉलिनोमियल अगर दो ऐसे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, जिनके कोफिशियंट सारे कोफिशियंट सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं. If all the coefficients, suppose a1, b1, a2, b2, all these are belonging to ai, bi, belongs to set of integers, then हम कहेंगे कि ये polynomial reducible है over set of integers. Set और ये सारे integers rational numbers भी होते हैं, इसलिए ये reducible है over rational numbers. सारे integers real numbers भी होते हैं, इसलिए ये एक example है कि ये reducible है over रियल नंबर्स. क्यों? क्योंकि इसके सारे कोफिशियंट्स को अगर हम देखें इंटीजर्स के टर्म में, यस दे आर इंटीजर्स, सो रेड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स. सारे टर्म रैशनल है इसलिए यस रेड्यूसिबल ओवर रैशनल नंबर. सारे टर्म सारे कोफिशियंट्स और ये कांस्टेंट टर्म रियल नंबर्स भी होते हैं इसलिए रेड्यूसिबल ओवर रियल नंबर्स. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी, उसके बाद ये सब हम इमीजिएटली कर सकते हैं. x square minus 2 एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं x minus root 2 and x plus root 2. तो क्या ये रेड्यूसिबल है ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स? नो. व्हाई? क्योंकि ये root 2 और ये जो root 2 है ये दोनों हमारे इंटीजर्स नहीं है, दे डू नॉट बिलोंग टू root 2 डू नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर. तो ये इररेड्यूसिबल है, दिस एग्जाम्पल इज इररेड्यूसिबल. This polynomial is irreducible over set of integers. Clear?
क्योंकि ये फैक्टराइज हो गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, बट इसके जो सारे कोफिशियंट शुड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर विच इज नॉट हैपनिंग एंड सो नॉट रिड्यूसिबल एंड हेंस इररिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर. अब इसी को अगर हम रियल नंबर में रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल की बात करें तो रियल नंबर, ये रियल नंबर है वन, रूट टू एक रियल नंबर है, ये रूट वन रूट रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. तो सारे कोफिशियंट रियल नंबर में आते हैं तो ये रिड्यूसिबल ओवर रियल नंबर सेट. इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट इरेड्यूसिबल, बट इरेड्यूसिबल ओवर सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स. होप रेड्यूसिबिलिटी इरेड्यूसिबिलिटी और मोनिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया शॉर्ट में. तो फिर हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ये एक एग्जांपल है जो रेड्यूसिबल है रियल नंबर्स में, इरेड्यूसिबल है सेट ऑफ इंटीजर्स, इरेड्यूसिबल हो जाएगा रैशनल नंबर. ऑप्शन ए, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड, देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू. जस्ट नाउ एक एग्जाम्पल which the example which we consider now, this is irreducible over z, and then क्योंकि ये root टू और ये root टू ये इंटीजर्स नहीं है, एंड सो इंटीजर्स नहीं है तो रैशनल नंबर्स भी नहीं है. सो इरेड्यूसिबल, देन इरेड्यूसिबल ओवर क्यू. सिंपल एग्जांपल ये प्रूव करने के लिए कि अगर इरेड्यूसिबल है देन इरेड्यूसिबल ओवर क्यू आल्सो. ये ऑप्शन वन सही होता है. इसी एग्जांपल से फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, इफ एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू then f x is irreducible over z. इसी को अगर हम ऐसे बात करें कि ये irreducible है over q, क्योंकि ये rational number में नहीं है root टू, then irreducible. जब वो rational numbers ही नहीं है तो वो integers कैसे हो सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी coefficient rational number नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो कभी भी इंटीजर भी नहीं होगा. इसलिए इरेड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू इंप्लाइज इरेड्यूसिबिलिटी ओवर जेड, दिस ऑप्शन इज आल्सो. सॉरी, अभी तीसरा ऑप्शन हम लेते हैं, इफ एफ एक्स हैज रियल रूट्स, इफ एफ एक्स हैज रियल रूट्स देन इट इज रेड्यूसिबल ओवर z. सेम एग्जाम्पल हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसके अगर रूट्स के लिए रूट्स कंसिडर करें तो रूट्स प्लस रूट टू एंड माइनस रूट टू, ये रूट्स हैं जो कि रियल हैं, दीज आर रियल रूट्स. अब अगर इसकी रेड्यूसिबिलिटी ओवर z की बात की जाए तो जस्ट नाउ हमने देखा कि ये इरेड्यूसिबल ओवर z है. वाई? बिकॉज x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ये रूट टू और ये रूट टू z से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए इरेड्यूसिबल, नॉट रेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल. तो हमने क्या देखा कि अगर रियल रूट है इस मोनिक पॉलिनोमियल को, ऑल द पॉलिनोमियल्स विच वी आर टेकिंग आर मोनिक पॉलिनोमियल, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ. सो a monic polynomial has real roots but irreducible over z, but what the option says, if fx has real roots then it is reducible over, this example is a contradictory example and so this goes wrong. Ab hum next option, let's check out the next options, the last option, fx is reducible over z. Again we will try to verify this option taking an example. Suppose we take x to the power 4 minus
let us suppose 4. क्या हम 1 ले लेते हैं, बेस्ट है। अब इसकी रेड्यूसिबिलिटी देखते हैं, ये रेड्यूसिबल है क्या। यस, ये मोनिक पॉलिनोमियल, दिस गिवन मोनिक पॉलिनोमियल इज रेड्यूसिबल ओवर जेड। हाउ? बिकॉज वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन राइट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। If we talk about the reducibility over Z, yes, it is reducible by all the coefficients and constants we can check belonging to Z. So, this monic polynomial is, yes, reducible over Z. Now, let's talk about fx has real roots. So, kya isko real roots hai? Check karte hai. X4 minus 1 equal to 0. For roots, we make polynomial equal to 0 and solve. So we will have x square minus 1 into x square plus 1 equal to 0. So 1 by 1 if we, so we will get 1 minus 1 and here we will get x square equal to minus 1. So this will give I square, iota square. So we will have x is equal to 1 minus 1 iota minus iota. These two are not real. तो ये फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल क्रिएट किया हमने कि x टू द पावर 4 माइनस 1 इज रेड्यूसिबल ओवर z, यस, बट इट डज नॉट हैव ऑल रियल रूट्स। सो i माइनस i आर नॉन रियल रूट्स। तो ये ऑप्शन भी इस तरीके से रॉन्ग होता है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड hope it is easy to understand. However, language is not officially, the question paper is not in my hand, so maybe little bit fourth option, little bit this has to be made more clear, but the option whatever I got is like this only. So this is all about this problem. We'll be back with more problems and easy explanations. So keep watching, keep sharing my videos, and if you like my videos, please subscribe the channel. Thank you very much.